स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? ए सेंट एंड्रू द एपोस्टल का आदेश, बी अलेक्जेंडर नेवस्की का आदेश, सी सेंट जॉर्ज का आदेश, डी मित्रता का आदेश। आंसर ए सेंट एंड्रू द एपोस्टल का आदेश। एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल मिला। ये पुरस्कार 9 जुलाई 2024 को मॉस्को क्रेमलिन के सेंट कैथरीन हॉल में एक समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए वीवीएस लक्ष्मण, बी गौतम गंभीर, सी वीरेंद्र सहवाग, डी विकी पोंटिंग। आंसर बी गौतम गंभीर। एक्सप्लेनेशन। 9 जुलाई 2024 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वह राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल T20 विश्व कप के बाद समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, ये किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। आंसर सी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन। मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों के कथित अवैध शिकार और नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है। अगला प्रश्न। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? ए भारतीय एयरटेल, बी टाटा ग्रुप, सी रिलायंस ग्रुप, डी अदानी ग्रुप। आंसर डी अदानी ग्रुप। एक्सप्लेनेशन। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक प्रिंसिपल स्पॉन्सर के रूप में अदानी ग्रुप को चुना गया है। अदानी समूह ने हैशटैग देश का गीत एट ओलंपिक्स बैनर के तहत एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक किया जाएगा। अगला प्रश्न। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आंसर बी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। इस मिशन की शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की गई है।